हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिटर्न के बारे में सीखेंगे। रिटर्न जो कि हमारा लास्ट जो है कंट्रोल स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, या फिर लास्ट जंप स्टेटमेंट है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हाँ, इसका यूज क्यों होता है? इसका यूज होता है एक्सप्लिसिटली रिटर्न फ्रॉम अ मेथड। तो यूज टू एक्सप्लिसिटली रिटर्न फ्रॉम अ मेथड। एक मेथड से एक्सप्लिसिटली अगर रिटर्न करना हो, मतलब कि नॉर्मल फ्लो को तोड़ते हुए अगर आपको रिटर्न करना हो, अचानक इंस्टेंट, मतलब एक जस्ट आपको कोई कंडीशन ऐसा आ जाए जो कि आपके उस फंक्शन से आपको रिटर्न करने की आवश्यकता वहाँ पर हो, तो वहाँ पर आप रिटर्न का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि रिटर्न यूज करने से कि ये आपके प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड। इट काउजेस प्रोग्राम कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड। हाँ, ये प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है बैक टू द कॉलर ऑफ द मेथड, मतलब जिस मेथड के थ्रू ये मेथड कॉल हुआ है, जिस मेथड के अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है कि इस मेथड को कॉल किया जाए, उस मेथड के पास वापस एक्सिक्यूशन कंट्रोल चला जाता है। यहाँ पर हम लोग रिटर्न एज ए जंप स्टेटमेंट ही सिर्फ बात कर रहे हैं, मतलब कि रिटर्न का जंप स्टेटमेंट के रूप में कैसे यूज करते हैं। बाकी रिटर्न स्टेटमेंट का और यूज हम लोग आगे सीखेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी टाइम पे, किसी भी सिचुएशन में एक मेथड जो में अगर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाए, तो वो एक्सिक्यूशन को बैक कर देता है कॉलर मेथड के पास, और इस तरह से जो करेंट मेथड है उसमें जो बाकी बचे हुए स्टेटमेंट से जो कोड है उसको डायरेक्टली ये टर्मिनेट कर देता है, मतलब कि वो एक्सिक्यूट नहीं हो सकता है। आइए एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। हाँ, तो एक क्लास सबसे पहले ले लेते हैं। क्लास का नाम हमने लिया, कुछ भी नाम ले लेते हैं, मान लिया जाए रिटर्न ही ले लें, क्योंकि रिटर्न एक कीवर्ड नहीं है। और यहाँ पर मैंने, अगर होता भी एक कीवर्ड है रिटर्न, बट यहाँ पर मैंने एज ए कैपिटल यूज़ किया है रिटर्न। इसके बाद सीधा हमने सिग्नेचर लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और साथ में दिया स्ट्रिंग अग्स। ठीक है, अब हम एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले लें, अगर टी ले लें क्योंकि ट्रू देना है इसका वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। तो ये हमारा एक बुलियन वेरिएबल हमने लिया और उसको इनिशियलाइज़ किया ट्रू वैल्यू से। अब अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट डायरेक्ट लिखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं हम, तो बिफोर द रिटर्न, इसके बाद शायद हम लोग बिफोर लिखें, रिटर्न लिखेंगे, बिफोर द रिटर्न हमने लिखा। ठीक है, इसके बाद कंडीशन लिया, इफ टी लिया, और यहाँ पर हमने रिटर्न डाला, टी हमने ट्रू लिया है शुरू में। उसके बाद एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर क्या देते हैं, दिस वॉन्ट एक्सिक्यूट। ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और हमने क्लोज कर दिया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, बुलियन वेरिएबल टी लिया, उसका वैल्यू हमने ट्रू दिया, उसके पहले, उसके जस्ट बाद हमने भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, अगर आउटपुट लिखना चाहें तो आउटपुट ऐसा आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा बिफोर द रिटर्न, सबसे पहले ऐसा मेरा प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन चूंकि ट्रू है तो ये रिटर्न हो जाएगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये मेन मेथड है जिससे कि हम इस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। कोड लिखना नहीं, मतलब कोड का एक्सिक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से, तो यहाँ से रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो यहाँ से ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जावा रन टाइम सिस्टम, मतलब कि जो जावा रन टाइम सिस्टम है जो कि किसी भी मेन मेथड को कॉल करता है किसी भी कोड में, किसी भी एप्लीकेशन में। तो ये रिटर्न हो जाएगा कहाँ पे, मैं लिख देता हूँ जावा रन टाइम सिस्टम में ये रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि रन टाइम सिस्टम ही कंटेन करता है इस मेन मेथड को, कंटेन्स, तो इसलिए ये रन टाइम सिस्टम में रिटर्न हो जाएगा। और ये फाइनल प्रिंटलन जो है ये एक्सिक्यूट नहीं होगा। क्यों एक्सिक्यूट नहीं होगा, क्योंकि चूंकि ये रिटर्न यहीं से ही रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ चूंकि हमने यूज़ किया और टी ट्रू है, तो ये जैसा मैंने लिखा है दिस वॉन्ट एक्सिक्यूट उसके प्रिंट स्टेटमेंट में भी लिखा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। हाँ, क्यों इसका जैसा कि कारण मेनली ये हम समझ रहे हैं इस कोड से कि जैसे ही रिटर्न आपने लिखा कोड में वैसे ही कंट्रोल डायरेक्टली कॉलर के पास पास हो जाता है। इस केस में कॉलर क्या है, जावा रन टाइम सिस्टम, तो जावा रन टाइम सिस्टम के पास कंट्रोल जो है बैक हो गया, पास हो गया। अब सवाल है कि हमने यहाँ पर इफ़ और टी क्यों लिखा, हम लोग इसे इरेज कर दें, डायरेक्ट भी रिटर्न लिख सकते थे। अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं तो कंपाइलर जो है वो हमें एक एरर देता, और वो एरर क्या देता, इस कोड के बारे में एरर देता कि ये अनरीचेबल कोड है। मतलब कि अगर हम ये इफ़ कंडीशन हटा दें और डायरेक्ट रिटर्न लिख दें तो किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में ये लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को कम करता है जो कि कभी एक्सिक्यूट ही नहीं हो। तो इसलिए हमने इफ के अंदर जो है बुलियन वेरिएबल टी का यूज़ किया और इस तरह से रिटर्न को लिखा ताकि मेरा कोड जो है रिलायबल बना रहे। और मेन रीज़न ये था कि कंपाइलर जो है वो एरर नहीं दे, इस तरह से अनरीचेबल कोड का एरर नहीं दे। हाँ, तो इस तरह से अगर आप इस एरर को कहीं भी किसी भी मतलब प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में, कई बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जहाँ पर आपको इस तरह से रिटर्न करना पड़े मतलब वापस कॉलर में, तो आपको इस तरह से कंडीशन देकर ही लिखना होगा। आप डायरेक्ट जो है रिटर्न के बाद स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं, हालांकि वो वैलिड है सिंटैक्स के थ्रू, बट चूंकि वो कोड कभी भी कंपाइलर जो है वो कभी भी जावा रन टाइम सिस्टम उस कोड को कभी भी एक्सिक्यूट नहीं करेगा, तो इसलिए उसे अनरीचेबल कोड की गिनती में जावा का कंपाइलर मानता है। तो ऐसे अनरीचेबल कोड से बचने के लिए आप इफ का यूज करें और एक कंडीशन ले लें इस तरह से ट्रू और फिर रिटर्न करें, ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग क्लासेस के बारे में सीखेंगे जो कि बिल्कुल बेस है जावा का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।